नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। सांबा के सीमावर्ती गांव के लोगों ने पुलवामा में हुए शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा में हुए शहीद जवानों की बरसी सारे देश में मनाई गई। सांबा से निखिल पंगोत्रा और प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बीच जवान है, मैं सबसे पहले तो उन्हें सच्चा नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ उनको। और जो पुलवामा में जो हमला हुआ था, आज ही के दिन हम सब लोग अपने घरों में बैठे थे, कुछ लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, लेकिन मैं उनको दिल से सच्चा नमन करती हूँ और मैं तहे दिल से अपने बॉर्डर के जूत का धन्यवाद करती हूँ और जयदेव भाई साहब का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी युवा हैं वो इन चीज़ों को समझें। जे 2 फरवरी से शुरू हुआ था और 2 मार्च तक, 1 महीने तक चलेगा, जहां पर एक ज्योति जलाई गई है शहीदों के नाम पर। और जो युवा, जो बॉर्डर का युवा है, उनमें से जयदेव सिंह ने इसमें इनिशिएटिव लिया, वो आगे चल रहे हैं और पूरे युवा जो बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उन सब ने जहां पर ताबुन दिया है। और मैं कहता हूं कि एक सबके लिए ये एक प्रेरणादायक बात है कि लोग कहीं सतवाह करवा रहे हैं, कहीं मंदिरों में पूजा हो रही है, कहीं कुछ हमारा बहुत धार्मिक भी चलता रहता है, लेकिन इस और बड़ी कम लोगों का ध्यान जाता है जो लोग शहीद हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इन बच्चों ने जो एक कार्यक्रम उठाया है शहीदों के लिए, एक हमारे लिए पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का सूत्र बनेगा और आने वाले दिनों में, मुझे लगता है आज 1 साल हो गया और आप देख रहे हैं लोगों में कितना उत्साह है और आने वाले समय में हमारे लिए जहाँ पर कोई लगता है कि कोई चिन्ह बनेगा, जहाँ पर एक कोई स्मारक बनाएंगे सभी लोग इकट्ठा होके। और हर बार हर साल इन शहीदों को, जो 44 हमारे पुलवामा में शहीद हुए थे, उनको याद किया जाएगा।